महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जो घटना सामने आई है वो सभी को सावधान करने के लिए बेहद जरूरी है। जिनके पास मोबाइल है, जी हाँ, चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में रहने वाले भावराव आसवाले शाम के समय रोजाना की तरह वॉक पर निकले थे। उनका सैमसंग कंपनी का मोबाइल उनकी जेब में था। भावराव को अपनी जेब में कुछ गर्म महसूस हुआ तो उन्होंने जेब में रखे मोबाइल को हाथ लगाया तो मोबाइल बेहद गर्म हो गया था और देखते ही देखते मोबाइल में से धुआं निकलने लगा। भावराव बेहद घबरा गए थे। वो जेब से मोबाइल को निकालते तब तक मोबाइल में आग लग चुकी थी। मरता क्या ना करता, उन्होंने जेब में हाथ डाला, मोबाइल को जेब से निकालकर बाहर फेंक दिया। मोबाइल को बाहर फेंकते ही मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। समय रहते मोबाइल को बाहर फेंक दिया, इसलिए भावराव बाल बाल बच गए। इस घटना में उनके पैर और हाथ मामूली झुलस गए और उनकी पैंट भी फट गई। भावराव ने बताया कि ये मोबाइल सैमसंग कंपनी का है और करीब 4 साल पहले खरीदा था। इस घटना के बाद भावराव सदमे में और लोगों को भी आगाह कर रहे हैं कि मोबाइल को सावधानी से इस्तेमाल करें ताकि ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। इस घटना के बाद मोबाइल कंपनियों ने भी इस प्रकार की घटनाओं के पीछे क्या कारण है इसका पता लगाकर इस पर जरूरी बदलाव करें। माझा मोबाइल खिशात होता, मी पार्किंगला निघालो होतो, अचानक मला गरम वाटायला लागलं, तेव्हा मी पाहिलं तर माझा मोबाइल धुवा निघून राहिला होता। धुवा निघता निघता मग मी त्याला एकदम म्हणजे माझ्या खिशामध्ये असताना धुवा निघला तर माझा पॅन्ट आणि माझी स्क्रीन जळली होती, तर तेव्हा मी त्या मोबाईलला काढून फेकून दिलं बाहेर त्रास झाल्यानंतर। आता याच्यामध्ये माझं आज ब्लास्ट वगैरे झालं असता खिशामध्ये तर माझं गेलं असतं, जीवन माझं नष्ट झालं असतं आज।